तो नमस्कार जोहार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे BBMQ UG सेमेस्टर फर्स्ट एडमिट कार्ड को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है, ठीक है। तो 23 से 27 के जितने भी छात्र छात्र हैं, ध्यान में रखें आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है। और बच्चे के मन में प्रश्न जो बन रहा है कि सर डाउनलोड कैसे करें, एडमिट कार्ड तो आ गया हम सभी को पता है, आपने बता दिया था, लेकिन इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे, अपने फ़ोन में कैसे करें, हम खुद कैसे देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि आखिरकार जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कैसे करें और खुद कैसे करें, अपने फोन में कैसे करें, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको मैंने एक लिंक दिया था जिसमें आपको टच करना था और आपका वो खुल जा रहा था। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर उसे हम भैया इसे नहीं कर पा रहे, तो नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप उसको खोल सकते हो। तो वो कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, आप अपने गूगल पे जाइए दोस्तों, ठीक है। आप गूगल पे आइए, आपको पता ही है, ठीक है, गूगल क्या चीज़ है, ठीक है। अब गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना, क्या सर्च करना दोस्तों, अपना यूनिवर्सिटी का नाम, यानी कि आपका यूनिवर्सिटी क्या है, नॉर्थ बिहार में है तो क्यों यूनिवर्सिटी, उतना बड़ा तो करना नहीं, उतना भी कर सकते हैं, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, BBMQ सर्च कर देना है। क्या दोस्तों, BBMQ, देखिए ये वाला आपको सर्च करना है BBMQ, ठीक है। चलिए अब जैसे आप BBMQ सर्च करते दोस्तों, आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और रिजल्ट क्या आएगा, देखिए आप देख पा रहे हो बड़े बड़े अक्षरों में BBMQ लिखा हुआ है ब्लू टाइप के यहाँ पे, और इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ BBMQ, इसको आपको टच करना है। अब जैसे इसको आप टच करते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भैया, यहाँ तो आ गए। अब इसके बाद क्या करें दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको नीचे आना है, ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा सा नीचे आइए दोस्तों। अब जैसे आप नीचे आते हो, देखिए यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड लिखने को मिलेगा, देखिए क्या लिखा हुआ एडमिट कार्ड, सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, जो एडमिट कार्ड लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज है कि भैया ये कैसे डाउनलोड करें, क्या क्या आ जा रहा है, तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे एडमिट कार्ड पे क्लिक किए, आपका जो खुलेगा कुछ इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे साइड में सबसे लास्ट में रहिए, कोना पे देख पा रहे होंगे ऊपर में यहाँ पे तीन जो लकीर है इसको टच करना है, ठीक है, कोना में जाइए, आप देख पा रहे होंगे राइट साइड, इसको आपको टच करना। अब जैसे इसको आप टच करते हैं दोस्तों ऊपर में, ठीक है, इसको डैशबोर्ड में आप लोग कर लीजिएगा, तो जैसे आप इस यहाँ पे क्लिक करते हो, आप लोग ध्यान से देखिए, इसको आपको टच करना है, ठीक है, ऊपर में देखने को मिलेगा राइट साइड में। अब जैसे इसको टच करते हो तो आपको ना कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, वहीं पे देखो, एग्जामिनेशन फॉर्म मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली जो एडमिट कार्ड है ना यहाँ पे प्लस वाला चीज, उस पर आपको क्लिक कर देना, जो एडमिट कार्ड है यहाँ पे देखिए साइड में एक प्लस का चिन्ह है, इसको क्लिक करना। अब जैसे यहाँ पे प्लस वाले को आप टच करते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, देखिए इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेंगे। अब आपका जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे निकल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे बोलेगा अपना सेमेस्टर डालिए, यानी कि आप कौन सा सेमेस्टर का निकालना चाहते हैं उसको आप लोग डाल दीजिएगा। तो आपका सेमेस्टर फर्स्ट है तो आप सेमेस्टर फर्स्ट डालिएगा। फिर आपको बोलेगा यहाँ पे रोल नंबर डालना, ठीक है, तो आपका जो यूनिवर्सिटी का रोल नंबर है आप उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपना रोल नंबर डालते हो और यहाँ पर आपको सर्च का बटन देखने को मिलेगा साइड में ही, तो इसमें आपको सर्च में जो लिखा है उसको टच कर दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आपको सेमेस्टर वन यहाँ पर चूज करना है, आप करने को मिल जाएगा। फिर आपको रोल नंबर यहाँ पे भरने को बोलेगा, तो जैसे रोल नंबर आप फिल करते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बटन आएगा आपका सर्च बटन देख पा रहे होंगे साइड में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, येलो कलर का, तो इसको आपको टच करना। जैसे आप यहाँ पे इसको टच करते दोस्तों, और सिंपली कुछ नहीं करना, टच करने से आपका एडमिट कार्ड ऑटोमेटिकली खुल जाएगा दोस्तों, ठीक है, और आपका एडमिट कार्ड इस प्रकार से निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। आप आसानी से देख सकते हो कि आपका नाम क्या है, यानी कि स्टूडेंट नेम, आप अपना नाम तो देख ही पा रहे होंगे, या तो किसी दोस्त का चेक कर रहे हो तो उसका देख पा रहे होंगे, फादर्स नेम मिला लीजिएगा, फिर आप किस कॉलेज के छात्र हो तो कॉलेज का नाम भी यहाँ पे लिखा रहेगा, जैसा ये जो एडमिट कार्ड है वो RS मोड के छात्र का है तो ये उनका है, तो आपका जो होगा आपका वो देखने को मिलेगा। तो ये हो गया एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें दोस्तों, बहुत ही नॉर्मली बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताया, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं था, ठीक है, सिंपल ही था और इजी तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया। और एडमिट कार्ड को जो इस प्रकार से आप देख ही पा रहे होंगे कि कब कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्या टाइमिंग रहने वाली है, और क्या आप ध्यान रखिएगा टाइमिंग का कि आपका कब एग्ज़ाम है दोस्तों, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में चल जाते हैं।
तो इसको एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे पीछे हुआ है कुछ, है ना। तो ध्यान दीजिएगा पेपर क्या है आपका, पेपर कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये तो एडमिट कार्ड आ गया दोस्तों, अब रही बात तैयारी की, तो चैनल के माध्यम से बहुत कुछ तैयारी करवाया जा रहा है। सबसे पहले तो एएससी पेपर का तैयारी आपको करवाई जाएगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम सबसे पहले है। और भी धीरे धीरे करके कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया, मुझे आशा है कि आपको सारा का सारा वो चीज़ है वो समझ में आ गया कि आखिरकार जो हमारा एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कैसे करें दोस्तों, ठीक है। आपको मैंने सरल शब्द में समझाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, अपने मित्रों को शेयर करें, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर जाएँ दोस्तों। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहाँ भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी भी मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अपने मित्रों को शेयर करें और इसी प्रकार से जुड़े रहें। दूसरे मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।